मैंने सिखा पदम स्मादियामि बोधम सर। चक्रव्यूह या चक्रव्यूह भगवान बुद्ध का एक नाम है। चक्रव्यूह यानी कि जो चक्र के ज्ञाता हैं, चक्र के ज्ञाता हैं। बाद में इसको चक्रव्यूह किया गया, यानी कि ये एक घेराबंदी करके ऐसा बताया गया, मगर असली जो है वो चक्रव्यूह है। व्यूह का मतलब होता है ज्ञाता, जानकार, और चक्र माने जो चक्र की जानकारी, धम्म चक्र की जानकारी उन्होंने ली थी, उसकी वजह से उनको चक्र का ज्ञाता बोलते हैं। चक्रव्यूह बहुत प्रमुख नाम है, भगवान बुद्ध के हजारों नाम है, उनमें से एक नाम, क्योंकि धम्म चक्र पवत्तन दिन आता है। धम्म चक्र पवत्तन दिन होता क्या है? भारत में जुलाई के महीने में, या अगर पुराने पाली के हम जो नाम हैं महीनों के, माह के, तो उसमें आषाढ़ बोलते हैं। आषाढ़ माने तो होता है बहुत घनघोर बारिश, और आषाढ़ का मतलब है कि वो महीना जिसमें घनघोर बारिश होती है, वो आषाढ़ में आती है। तो आषाढ़ में जब पूर्ण चंद्रमा होता है, पूर्ण चंद्र होता है, पूर्ण चंद्र होता है, या फुल मून होता है, या पूर्णिमा होती है, उस दिन से लेके लगातार 3 महीने तक भिक्खु सारे के सारे वसावास करते हैं, और चौथे महीने में वो अपने समय के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने काम के अनुसार पवारणा करते हैं, दोबारा पढ़ाने के लिए निकल जाते हैं पूरे देश के अंदर। इस दिन का इतना महत्व पूरे विश्व में क्यों है? धम्म चक्र पवत्तन दिवसों का, या धम्म चक्र परिवर्तन, या धम्म चक्र परिवर्तन दिन, इसको कुंडली जागरण दिवस ही बोलते हैं। उस दिन कुंडली जागृत होती है, या इसको गुरु भी बोलते हैं, गुरुवार का दिन, या गुरु पूर्णिमा। भारत में आज के समय में ये गुरु पूर्णिमा के नाम से मशहूर है, क्योंकि जगत गुरु जो रहे हैं पूरे विश्व में, वो सिर्फ एक बुद्ध है, क्योंकि बुद्ध सारे जगत में वो जानकारी लेके आए जो जानकारी पहले से थी नहीं, और जो जानकारी आज तक बदली नहीं, और संभवतः जब तक मनुष्य रहेगा तब तक वो जानकारी बदलेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने सारी जानकारी मनुष्य के सुख और दुख से संबंधित, और उसका जो सॉफ्टवेयर है और जो उसका हार्डवेयर है, यानी जो उसका शरीर उसका हार्डवेयर, और जो उसका मन है उसका सॉफ्टवेयर, और जो उसका प्रोसेसर है उसका ब्रेन, इसके बारे में सारी जानकारी उन्होंने खोजी थी। और उन्होंने कहा था कि मैं एक शब्द भी बाहर का नहीं बताऊंगा, जो मैंने अनुभव किया है वह मैं बताऊंगा, और वही उन्होंने जीवन भर बताया। इसलिए वो जानकारी कटती नहीं है, उस जानकारी को बदल बदल के लोगों ने मिक्स कर करके अपने नाम से दाएं-बाएं चीज उसमें डाल डूल के, और यहां तक कि भारत के अंदर बुद्ध की सारी शिक्षा को खत्म करके उस सारी जानकारी को अपने नाम से लोगों ने प्रदर्शित किया, उसका इस्तेमाल किया, और आज भी कर रहे हैं, वो अलग बात है, इससे बुद्ध को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो धम्म चक्र पवत्तन दिवस है, ये इसलिए इसको गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ी पूर्णमासी या आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं, और ये सभी लोगों में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। आप भी उस दिन जो आपके गुरु हैं, चाहे वो भिक्खुनी है, चाहे भिक्खु है, चाहे कोई टीचर आपको पढ़ाता है, या जो टीचर से आपको लगता है कि इसने आपको बहुत अच्छी तरह से बिना भेदभाव के पढ़ाया है वो है, या जहां से आपने शिक्षा ली है, या जो आपके माता पिता भी गुरु होते हैं वो हैं, आप उनका, अगर आप वर्चुअल में जाना चाहते हैं, जैसे आज के समय में जो चल रहा है वर्चुअल का, तो आप उनका फोटो या उनके लिए दो शब्द या उनके लिए एक वीडियो बनाकर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, या जहां भी आप डाल सके वहां डालें, उनको टेलीफोन करके उनको धन्यवाद कहें, और पूरी दुनिया को बताएं कि आप अपने गुरुओं का कितना सम्मान करते हैं। दरअसल भारत जो रही है वो जगत गुरु भगवान बुद्ध की भूमि रही है, और पूरी दुनिया में इसी नाम से जानी जाती है, और कोई नाम पूरी दुनिया में भारत के लिए चलता ही नहीं है। लाइट ऑफ एशिया जो बोलते हैं वो बुद्ध को ही बोलते हैं, और बुद्ध के हजारों नाम है, कुछ मैंने बताए, कुछ मैं और आगे बताऊंगा, हजारों ही है, और सारी दुनिया के लगा लेंगे तो उससे भी ज्यादा है। दरअसल भगवान बुद्ध ने जब वैसाख पूर्णिमा के दिन उस वृक्ष के नीचे, जो बाद में बोधि वृक्ष या बोधि रुख के नाम से फेमस हो गया, पीपल का पेड़, तब तक पीपल के पेड़ की कोई मान्यता नहीं थी, मगर भगवान बुद्ध उसके नीचे बैठे और वहां उन्होंने बोधि को, ज्ञान को प्राप्त किया। क्या ज्ञान प्राप्त किया?
बड़ा सिंपल सा ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। एक तो उन्होंने अपनी सारी मेमोरी खोल के देख ली जो ह्यूमन के सॉफ्टवेयर में होती हैं। एक उन्होंने ह्यूमन के सॉफ्टवेयर से ये देखना शुरू कर दिया कि वो एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, जो शरीर से बाहर की चीजें हैं या दूसरे के शरीर में या प्राणी में उसको कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, वो सारा उन्होंने सीखा। और तीसरा उन्होंने ये सीखा जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि ह्यूमन का सॉफ्टवेयर और ह्यूमन का हार्डवेयर यानी कि मन और शरीर आपस में इंटरलिंक कैसे हैं और कैसे काम करते हैं, कैसे मटेरियल चिपकता है, कैसे दुख शरीर में आता है। क्योंकि दुख वो जानते थे कि कहीं बाहर से नहीं आता है, अगर आता तो दिखाई देता, तो जाता भी कैसे है दिखाई देता नहीं, सुख कैसे शरीर में रहता है और कैसे छिप जाता है पता नहीं चलता। तो दुख की जो वेदनाएं आती हैं, संवेदनाएं आती हैं, वो अचानक टेलीफोन सुन के या खबर सुन के या कोई घटना सुन के हमारे मन में आ जाती हैं। उस समय भी भगवान ने यही देखा कि कोई मुझे अगर अपशब्द बोलता है तो मेरे अंदर दुख की वेदनाएं आती हैं, कोई मेरी प्रशंसा करता है तो सुख की वेदनाएं आती हैं, आखिर काम कैसे करता है ये अगर वो काम करना जान लेंगे तो फिर वो उसको निकाल भी सकते हैं। और वही उन्होंने बैसाख पूर्णिमा की रात को सीखा और किया, सारी बुराइयां उन्होंने निकाली। निकालने के बाद वो उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर के जितने भी वायरसेस थे वो सारे वायरसेस उन्होंने डिलीट कर दिए, खत्म कर दिए। मुश्किल तो उनको बहुत हुई क्योंकि ऐसी ऐसी फाइलें थी, ऐसे ऐसे वायरस थे जो डिलीट होने का नाम नहीं ले रहे थे, बनकर उल्टे उन्हीं को धमका रहे थे, हम तुझे खत्म कर देंगे देखेंगे। भगवान बुद्ध ने बहुत शांति के साथ में और बहुत ही साधना दृढ़ तपस्या के साथ में बैठे बैठे उनको डिलीट किया। उसको मारसेना बोलते हैं, देवपुत्र मारसेना, सारी बुराइयों को जो वायरस के नाम है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में भगवान बुद्ध ने 7 हफ्ते तक यानी बैसाख पूर्णिमा की रात से लेके 7 हफ्ते तक, 7 × 49 यानी 1 × 50 49 डेज तक ये चेक किया कि वास्तव में मुझे ह्यूमन के सॉफ्टवेयर के और ह्यूमन के हार्डवेयर की जानकारी हुई या नहीं हुई। क्योंकि बात यह थी कि इससे ज्यादा जानकारी कोई और जानता नहीं पृथ्वी पे, और जहां जहां उन्होंने 6 साल लोगों से सीखा उन्हें भी इतनी जानकारी थी नहीं, वो तो सारा वहां से सीख के आ चुके थे। तो बताए कौन के जो सीखा है वो है क्या, जानकारी कहां से मिले कि जो वो जानकारी प्राप्त की है वो सबसे परम है, उच्चतम है, मनुष्य के बारे में है। तो 7 हफ्ते तक वो चेक करते रहे। कैसे चेक करते हैं, देखा कि दुख आया है तो उन्होंने देखा दुख आया है, क्या दुख डिलीट हुआ, देखा डिलीट हो गया, देखा कैसे चीजें काम कर रही हैं। तो लगातार 7 हफ्ते तक वो वहां उस पेड़ के आसपास में अलग 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 जगह बैठकर उस जगह अपने आप को चेक करते रहे। और 7 हफ्ते में जब उनको यकीन हो गया कि अब वो ह्यूमन के सॉफ्टवेयर की सारी चीज जानते हैं, फाइल को एंटर भी करा सकते हैं और फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं, तब उन्होंने कहा कि अब मैं सम्यक सम बुद्धि वाला हो गया, यानी कि सम्यक सम बुद्ध हो गया, सही और पूरा जानकार हो गया। सम्यक सम बुद्ध का मतलब होता है सही और पूरा जानकार व्यक्ति, तो वो सम्यक संबुद्ध हो गए। तो उन्होंने लगा कि इतना जो गहरा ज्ञान मुझे मिला है, क्योंकि साधारण व्यक्ति तो इसको समझ नहीं पाएगा, तो किसी को समझाना तो है क्योंकि इसको फैलाना है, तो वो अपने जो 2 गुरु थे उन गुरु के पास में ढूंढने के लिए चल पड़े। तो वो अपने गुरुओं के पास चल पड़े। तो उन्होंने सबसे पहले जो अपने गुरु थे आलार कलाम के पास में जाने के लिए देखा, मगर उनको जानकारी मिली कि आलार कलाम अब दुनिया में नहीं रहे। तो दूसरे थे उनके गुरु उद्दक रामपुत्र के पास जाने के लिए जब वो चले तो उन्हें जानकारी मिली कि उद्दक रामपुत्र भी नहीं रहे। दोनों ही उनके टीचर रहे हैं, दोनों की जगह उन्होंने सीखा है, मगर जितना उन गुरु को आता था उतना वो सीख गए थे। और सीखने के बाद ये पता चला कि दुख तो अभी दूर हुआ नहीं, इसलिए वो वहां से छोड़ के फिर आगे आ गए। तो उन्होंने कहा कि अब ये किसको बताया जाए, किसको समझाया जाए। तो उन्हें याद आया जो अपने 5 साथी थे, जो महानाम, वप, असजी, कौंडिन्य और भद्दीय, ये 5 साथी के बारे में पता किया कि वो किस ओर गए हैं, किस दिशा में गए हैं। जानकारी हुई कि वो बनारस में गए हैं, यानी जो काशी 16 जो महाजनपद थे उनकी जो राजधानी थी, यानी जो 16 जनपद रहे उनमें काशी रहा है महाजनपद, और उसकी जो राजधानी है वो बनारस या सारनाथ या सिंगापुर या वाराणसी या इसी पत्तन मगदाय, उस समय इसी पत्तन मगदाय बोलते थे। इसी पत्तन किस लिए, इसी माने जो इसी होते हैं, जो जानकार लोग जहां साधना विपश्यना करते हैं उनको इसी बोलते हैं। वो पत्तन का मतलब है कि वहां जो रिवर बह रही है उसका पार्ट, तो इसी पत्तन। और मगदाय का मतलब है जो मृग है वहां दौड़ते हैं, तो मृग दौड़ने वाली जगह को इसी पत्तन जहां बोलते थे वहां वो मिलेंगे। उस रास्ते पर जाते हुए किसी ने उनकी जानकारी दी।
तो भगवान बुद्ध, क्योंकि साधन तो कुछ था नहीं उस समय, तो पैदल ही चलने लगे। बैसाख पूर्णिमा से लेके और आषाढ़ी पूर्णिमा के पहले तक कितने महीने होते हैं, तो वो लगातार, क्योंकि 49 डेज तो वो वहां रहे और 14-15 दिन लगातार चलते रहे, तो वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद में एक बड़ा अजीब सा दृश्य हुआ कि जो उनके पांचों साथी थे, उन्हें तो पता नहीं कि ये सम्यक संबुद्ध हो गए हैं, या पूरी जानकारी हो गए हैं, या दुखों को मुक्त करने का रास्ता पता कर लिया है, या ये दुखों से मुक्त हो चुके हैं, वीतरागी हो चुके हैं, वीतकामी हो चुके हैं। तो उन्होंने तो ऐसा ही व्यवहार किया जैसे कि वो छोड़ के आए थे। और क्या छोड़ के आए थे, क्या उनके मन में थी कि ये जो सिद्धार्थ गौतम है ये नालायक आदमी है, इसने साधना पूरी तरह से नहीं की, ये तो जोड़ू और बटोरू है। जोड़ू और बटोरू का मतलब है कि खाना जोड़ने वाला और सामान इकट्ठा करने वाला है। तो वो छवि उनके दिमाग में थी। तो पांचों ने ये प्रण किया कि सिद्धार्थ गौतम जब हमारे पास आएगा तो हम इसकी तरफ ना देखेंगे ना हम बात करेंगे, और जो ये पूछेगा हम देखेंगे उस समय क्या होता है। पांचों ने निर्णय किया। मगर जो सिद्धार्थ गौतम यानी जो भगवान बुद्ध जब आ रहे थे, तो उनकी चाल में और उनके व्यक्तित्व में इतना गजब का आकर्षण आ चुका था बुद्धि प्राप्त होने के बाद, बुद्ध होने के बाद, कि पांचों अपनी बात पर रुक नहीं पाए। कोई तो उनके लिए बैठने के लिए स्टूल लेके आया, कोई उनके लिए पैर के नीचे रखने के लिए छोटा स्टूल लेके आया, कोई उनके लिए पानी धोने के लिए पानी लेके आया, कोई पैर का धोवन जहां पानी बहता है वो बर्तन लेके आया, कोई तौलिया लेके आया। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले अपने पैर धोए। पैर धोते समय उन लोगों ने उनको यानी भगवान बुद्ध को जो कहा वो आउस कहके या नाम लेके बुलाया। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आप मुझे आउस ना कहें, आउस का मतलब आयुष्मान, और मेरा नाम भी ना लें, क्योंकि अब मैं उस नाम का व्यक्ति नहीं रहा, अब मैं सिद्धार्थ गौतम नहीं रहा, अब मैं बोध ही प्राप्त हो गया, बुद्ध हो गया। तो आप मुझे सम्यक सम बोध ही प्राप्त बुद्ध कहें, या तथागत कहें, या भंते कहें। तीन बार उन्होंने ऐसा कहा। उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं सचमुच में बुद्ध हो गया हूं। मगर इससे पहले एक कहानी और भी हुई, क्योंकि भगवान बुद्ध ने पहली बार अपने आप को बुद्ध जो बताया था वो किसको बताया था। उरेवेला में एक उपक आजीवक मखली गोसाल का शिष्य था, उसका नाम उपक था। वो जब बुद्ध को देखा उसने, तो उसने बुद्ध को देख के कहा कि आवुस तेरी इंदिया, इंदिया मतलब सेंसेस, तेरे सेंसेस, तेरी इंदिया तो बड़ी शांत है, यानी कि आंख है, नाक है, कान है, जो चेहरे पे चपलता आती है, हाथ पैरों में चपलता आती है, वो तो बहुत शांत है, साधु हो गई है, बिल्कुल शुद्ध है और परिशुद्ध है, चमक रही है। तेरा गुरु कौन है और तू किस धर्म को मानता है? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं सबको पराजित करने वाला, सबको जानने वाला हूं, सभी धर्मों से अलग हूं, सभी धर्मों से अलग हूं, सर्व त्यागी हूं यानी सब को त्याग चुका हूं, छोड़ चुका हूं, तृष्णा के छह से मुक्त हूं यानी जो तृणा है, जो क्रेविंग है, उसका जो नुकसान होता है उससे मुक्त हूं। मैं अपने आप को जानकर उपदेश करूंगा, यानी मैं अब जो उपदेश करूंगा लोगों को, उपदेश ना करूंगा, प्रीच करूंगा, बताऊंगा, वो जो मैंने शरीर में जाना है अपने आप में, उसको देख के बताऊंगा, उसी को बताऊंगा। मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं है, यहां कोई नहीं है इस अर्थ पे जो मेरे जैसा विद्वान हो, जो अपने आप को जान चुका है, और मेरा कोई आचार्य, कोई टीचर भी, मेरा कोई गुरु भी नहीं है, मैं अपना गुरु खुद हूं। देवताओं सहित भी कोई मेरे समान इस जगत में नहीं है। देवताओं का मतलब जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनसे जिसने सबसे अच्छे काम किए हैं उससे भी अच्छा कर कोई है तो भी जगत में मैं उन सबसे अच्छा हूं, कोई मेरे समान नहीं है। और मैं संसार में अरहत हूं, अरहत का मतलब कि मैं जीते जीते दुखों से मुक्त हूं और मुझे कोई दुख नहीं है, कोई बुराई नहीं है। अपूर्व उपदेशक हूं, इससे पहले किसी ने जो देशना नहीं दी है वो देशना मैं देता हूं और दूंगा। मैं एक सम्यक संबुद्ध हूं, मैं शांति और निब्बान को प्राप्त हूं, यानी कि मैंने निब्बान प्राप्त कर लिया है और मैंने शांति प्राप्त कर लिया है। निब्बान प्राप्त क्या होता है, दो चीजें होती है, एक निर्वर्तमान और एक होता है निब्बान। निर्वत जो बोलते हैं उसको बोलते हैं निवृत, यानी कि जिसका जीवन समाप्त हो जाए, और निब्बान का मतलब है निबान, यानी जिसके तर्कस में कोई वान ना रहे, कोई तृष्णा ना रहे, कोई दुख ना रहे। तो कहते हैं कि मैं निब्बान प्राप्त हूं या मेरे पास कोई दुख नहीं है। धम्म का चक्का घुमाने के लिए काशियों के शहर में, नगर में जा रहा हूं, यानी कि धम्म का चक्का, धम्म का पर्वत, जो धम्म का प्रवर्तन करने के लिए, चक्र को घुमाने के लिए, धम्म को सिखाने के लिए अपने पांच साथियों के पास काशियों के नगर जा रहा हूं। इस अंधे हुए लोक में अमृत दुंदुभी बजाऊंगा, और वो कहते हैं कि ये जो अंधा लोक है जहां लोग पाप इकट्ठा कर रहे हैं, इसमें मैं दुदुम्बी बजाऊंगा, अमृत पदगी, यानी कि मैं ढोल बजाऊंगा,
सच्चाई का और लोगों को सच सिखाऊंगा ताकि लोग अमृत को प्राप्त कर सकें। तो वो जो शिष्य है, उपक है, वो कहता है अब उस तू जैसा दावा करता है उससे तो तू अनंत जिन लगता है, यानी जो तूने बताया है उस ये तो सारे गुण जिन के हैं। जिन का मतलब है जीते हुए के, जिसने अपने आप को जीत लिया है उसको जिन बोलते हैं पाली में। तो मेरे जैसे आदमी, भगवान बुद्ध कहते हैं मेरे जैसे आदमी जिनके सारे चित्त मैल, यानी जो चित्त के मन के मैल हैं जो खत्म हो चुके हैं, जिसमें सारी बुराइयों को जीत लिया है उपक, वो जिन ही होते हैं, मैं जिन हूं। तो वो कहते हैं कि हो अच्छी बात है, ऐसा कहकर उपक चला जाता है। भगवान बुद्ध वहां अपना परिचय इस प्रकार देते हैं। तो ये जो पांच उनके साथी हैं, ये पांचों साथी जब यकीन नहीं करते तो भगवान बुद्ध उनको कहते हैं क्या तुमने मुझे पहले कभी इस बात का दावा करते हुए देखा या इस तरह की बात करते हुए देखा जो मैं आज कर रहा हूं कि मैं सारे दुखों से मुक्त हूं और मैं दुखों से मुक्त करने का रास्ता जानता हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा, सुना भी नहीं। तो कहते हैं कि मैंने दुखों से मुक्त होने का रास्ता प्राप्त कर लिया और मैं हो चुका हूं, और इस रास्ते पे आप चल के देखोगे तो आपको भी लाभ होगा क्योंकि मैं इसको जान चुका हूं और मैं हो चुका हूं। तो सबसे पहले जो कौंडिन्य है उसको यकीन आता है और वो पांचों इस बात को यकीन करते हैं। वहां पर भगवान बुद्ध उनको पहला धम्म का उपदेश देते हैं जो पूरी दुनिया में धम्म चक्र पवत्तन के नाम से, धम्म यानी जो प्राकृतिक नियम है वो, चक्र माने उनका चक्र, पवत्तन माने जो चालू रहता है, और दिवस माने उस दिन, देश यानी उस दिन से जो चालू रहता है, उस प्रवचन को बताते हैं। इसको धम्म चक्र पवत्तन सूत्र के नाम से भी जानते हैं। इसमें चार आर्य सत्य बताते हैं पहले, और चार आर्य सत्य में जो परेशानी आती है यानी जो दुख बताते हैं, फिर उसका रास्ता बताते हैं। ये सारी बातें कुल मिलाकर 12 है जो वो बताते हैं। तो सबसे पहले चार आर्य सत्यों में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि दुख है, दुख का कारण है, दुख के कारण का निवारण है, और दुख के कारण के निवारण का मार्ग है, और वो मार्ग आगे बताते हैं। यानी दुख है, दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और निवारण का मार्ग है। ये चार नोबल ट्रूथ हैं, आर्य सत्य बोलते हैं इनको, आर्य सत्य बोलते हैं। आर्य सत्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये श्रेष्ठ सच्चे इसलिए आते हैं, इनको जो जान लेता है वो व्यक्ति श्रेष्ठ बन जाता है, आर्य बनना शुरू हो जाता है, और जो इनको नहीं जानता है वो अनर्य रहता है, वो श्रेष्ठ नहीं रहेगा, अनर्य रहेगा। क्यों, क्योंकि जब आप समस्या को जानेंगे नहीं तो आपको ये नहीं पता कि करना क्या है, फिर तो जो कर रहे हैं वो करते रहे। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध जो घर छोड़ा था, जो घर को छोड़े थे, वो इसलिए तो छोड़े थे कि दुख है, और दुख का कारण उन्हें समझ में नहीं आया, कारण समझ में नहीं आया, उसका मार्ग समझ में नहीं आया, उसका रास्ता नहीं आया। तो जो वो उद्धव के यहाँ और जो अलर्क राम के यहाँ जब वो गए थे, उन्होंने मेहनत की थी, तो वहां उन्होंने दुख का कारण है, कारण का जो मार्ग है, मगर मार्ग का कैसे प्राप्त करेंगे ये नहीं समझ में आया उनको, बस इतना ही वहां तक पता चला। तीन बातें दुनिया में सब बताते हैं, दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, मगर निवारण का मार्ग कोई नहीं बताता, और करके तो कोई दिखाता ही नहीं है। भगवान बुद्ध पहले ऐसे जगत गुरु हुए जिन्होंने निवारण के मार्ग को ना केवल सीखा वरन लोगों को जगह 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 साफ करके सिखाया भी, और उस जगह को वहां लोगों ने विहार बोला, और इतने वहां विहार बने कि उस जगह का नाम ही विहार पड़ गया मगध से। तो वो प्रैक्टिस करा रहे थे 45 साल तक, वो यही काम करते रहे कि लोगों को निवारण का मार्ग सिखाते रहे, ध्यान तपस्ना विपस्ना। वही जो परियत्ति है, परियत्ति माने जो जो शिक्षा है, वही परियत्ति उन्होंने यहाँ दी, और फिर पटिपत्ति की यानी कि उनको सिखाया भी वहां। वो बाद में सारे सारे पांचों के पांच उनके साथ ही अर्हत हो गए। तो क्या रास्ता था, जब वो कहते हैं कि दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है, वो जो मार्ग है उसको आष्टांगिक मार्ग बोलते हैं, उसको बोलते हैं आष्टांगिक मार्ग, एट फोल्ड पाथ, या कुंडली जागरण, या अट्ठ कथा, या जो हम बोलते हैं अर्थ कथा, या जो कथाएं हम बोलते हैं घर घर के जाके वो बोलते हैं, या जो अष्टवक्र बोलते हैं, अष्टवक्र का मतलब है जहां आठ मोड़ आते हैं, आठ फोल्ड या आठ मोड़ या आठ वक्र आते हैं, वो आठ अंगों का मार्ग है। उसको तीन मार्गों में, तीन चीजों के अंदर जोड़ा गया है, सील, समाधि और प्रज्ञा। सील, समाधि और पहिया, पहिया और प्रज्ञा एक ही बात है। पहिया बोलते हैं पाली में, प्रज्ञा बोलते हैं संस्कारित भाषा में, और सील बोलते हैं यहां पर। सील का मतलब है जो संसार वाला सह है उससे सील बना हुआ है, शील नहीं बोलते, सील
समाधि और पहिया या प्रज्ञा। तो सील समाधि प्रज्ञा, सील समाधि प्रज्ञा को 8 भागों को उन्होंने 3 भागों में तोड़ा और 3 भागों में करके उन्होंने बताया कि कैसे कैसे व्यक्ति अगर करेगा और क्या क्या चीज आती है जिससे कि वो निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, जिससे वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, जिससे वो अमृत पद को प्राप्त कर सकता है। और यही वो रास्ता है, यही वो 8 नियमों का 8 अंगों वाला मार्ग है जिससे व्यक्ति अपने सारे दुखों से मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, सॉल्वेशन को प्राप्त कर सकता है, कैवल्य को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, अमृत को चख सकता है, अमृत पद प्राप्त कर सकता है और अछूत पद को भी। यानी अछूत पद का मतलब है जिसको कोई छू ना सके, जो सबसे ऊंचा हो उसको अछूत पद बोला हुआ है, अच्युतंग बोला हुआ है वैसे, अच्युतंग पदंग या अच्युतंग थानंग। तो जो अछूत पद है संस्कृत भाषा में उसको अछूत बोलते हैं, यानी कि अनटचेबल जो पोजिशन है, और वही लोग बाद में अनटचेबल हुए। और यही वो रास्ता है जिसको उन्होंने कहा कि ये मध्यम मार्ग है, और मध्यम मार्ग को बोला मध्यम, मध्यम बोलते हैं या मध्यम या मध्य मार्ग। और जिन लोगों ने ये मध्य मार्ग या मध्यम मार्ग या मध्य मार्ग अपनाया उन्हीं को मांझी बोलते हैं। यानी बिहार के अंदर जितने भी मांझी हैं वो मध्यम मग जो है या जो मध्यम मार्ग है, जो मध्यम मार्ग है उसका पालन करने वाले लोग रहे हैं बुद्ध के समय से, इसलिए वो मांझी रहे। दशरथ मांझी का नाम तो आप जानते होंगे, वो मध्यम मार्ग का यानी मध्यम मार्ग का पालन करने वाला बहुत पुराना बुद्ध का अनुयायी रहा है, इसलिए वो सारे मांझी है। तो ये जो दुख प्रतिपदा गामनी मार्ग है, यानी जो दुख के प्रतिपदा जो दूर कर देता है गामनी मार्ग है, इन बहुत सारे नाम इसके चलते हैं। और इस मार्ग के चलते हुए भगवान बुद्ध ने जो पहला महाउपदेश दिया वो पूरी दुनिया में जगत में फेमस हो गया और वो जगत गुरु के नाम से आता है। क्या है वो? सील समाधि और प्रज्ञा। तो सबसे पहले मध्यम मार्ग क्या है? बेसिकली जो मध्यम मार्ग है और मध्यम मार्ग है वो है क्या? मध्यम मार्ग और मध्यम मार्ग का मतलब है भगवान बुद्ध ने जो बताया और जो खोजा, वो कहते हैं कि एक मार्ग तो ऐसा है जो चमत्कार पर आधारित है, जो ये मानता है कि सब चीज चमत्कार के आधार पर होती है और कोई चमत्कारिक शक्ति इनको करती है, सारी दुनिया को चलाती है, सारी दुनिया उससे काम करती है, सारी चीजें उससे चलती हैं। एक मार्ग तो ये है। और दूसरा मार्ग ये है जो ये लोग कहते हैं कि कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है, ये काम जितना भी है बिना चमत्कारिक शक्ति के हो रहा है, वो चमत्कारिक शक्ति में यकीन नहीं करते। मगर चूंकि काम हो रहा है और चमत्कारिक कोई कर नहीं रहा है, इसलिए जो उन्होंने देखा और जाना उसको उन्होंने मध्यम मार्ग कहा। उन्होंने कहा कि अरे ये जो काम जितना भी हो रहा है इसको कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं कर रही है, और ऐसा भी नहीं है कि ये बिना कारण के हो रहा है, ये जो कारण से हो रहा है और लगातार कारणों से हो रहा है, इसको हेतुवाद उन्होंने कहा, कारणवाद कहा, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहा, कारण और परिणामवाद कहा, ये उसके कारण होता है। एक चीज जुड़ती है या टूटती है उससे दूसरी चीज बनती है या टूटती है, उससे तीसरी चीज बनती है या टूटती है। माचिस की तिली से जब आप आग लगाते हैं तो माचिस की तिली राख में बदल जाती है, राख पेड़ों में चली जाती है, पेड़ से पौधा बन जाती है, पौधे से पेड़ बन जाती है, पेड़ से फिर तना बन जाती है, तने से फिर वो तना काटते हैं, तना काट के फिर वो माचिस की तिली दोबारा से बन जाती है। यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और बन रही है, इसमें ना चमत्कार है और ना ही ये ऐसा कह सकते हैं इसको कि ये बिना कारण के हो रही है। ये जो हेतुवाद, जो कारणवाद, जो डिपेंडेंट ऑन ओरिजिनेशन या रिजल्ट कॉज एंड इफेक्ट जो इन्होंने बताया, वो मध्यम मार्ग के नाम से फेमस हुआ। मध्यम मार्ग का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि दो इधर है और दो इधर है और बीच में हमने कह दिया कि ये मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग का मतलब है कि ये जो लोगों ने अति कहा कि कोई चमत्कारिक शक्ति कहते हैं और कुछ लोगों ने कहा कि इसका रीजन पता नहीं है, जो ये कैसे होता है कैसे नहीं होता है, उस मार्ग के बीच का मार्ग निकल कर आए। और आज तक भी दुनिया भर के साइंटिस्ट उनकी बात के आधार पर चलते हुए, उनका जो अभिधम है जो उन्होंने माइंड का और बॉडी का रिलेशन बताया उसके आधार पर चलते हुए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस पर काम करते हैं। इसी मार्ग को अरिय अठंगिक मार्ग बोलते हैं, यानी कि श्रेष्ठ 8 अंगों वाला मार्ग बोलते हैं। इसी को अठकता बोलते हैं, इसी को अठमी बोलते हैं, क्योंकि 8 दिन तक इसका पाठ कराते हैं, और इसी को अठ गाथा बोलते हैं, जहां भी 8 गाथा के नाम से आता है, और इसी को अठमी बोलते हैं, इसी को अष्टमी बोलते हैं। और इसीलिए भारत में हर महीने के जो दोनों अठमी हैं अष्टमी हैं वो सारी की सारी लोग उपोषत में, और उस दिन खास तौर से बुद्ध विहार आते हैं क्योंकि उस दिन अठमी होती है। तो अठ जहां भी आपको लगेगा वो नाम फेमस इसीलिए है क्योंकि भगवान बुद्ध का जो ये 8 अंगों वाला मार्ग है ये पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा विख्यात है, बहुत ज्यादा
सुविख्यात है, बहुत ज्यादा ये प्रमुख है, बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा माना जाता है। क्या है ये मार्ग? सबसे पहले आता है इसमें सील समाधि, पहिया के अंदर सील आते हैं। सील किसको कहते हैं? सील कहते हैं सदाचार को, आचरण को। जो हम मॉरलिटी अपनाते हैं तो सील के अंदर जो हम काम करते हैं, यानी कि जो बोलते हैं, जो सोचते हैं और जो हम करते हैं, वो काम हमारा ऐसा होना चाहिए जो सम्यक हो, क्योंकि भगवान बुद्ध ने आठों अंगों के अंदर सम्यक लगाया हुआ है। सम्यक का मतलब सही। जैसे चाकू अगर होगा घर के अंदर तो उसका एक इस्तेमाल है किसी का पेट फाड़ना और एक इस्तेमाल है तरबूज का पेट फाड़ना। तरबूज का पेट फाड़ना सम्यक है, सही है, राइट है, और किसी का पेट फाड़ना ये असम्यक है, ये रॉन्ग है और ये पाप है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि हर जो ज्ञान है, जो सारी विद्या है, सारी एजुकेशन है, उसके दो मीनिंग होते हैं हमेशा, एक होता है सम्यक और एक होता है असम्यक, एक होता है सम्मा और एक होता है असम्मा। यानी यहां सम्मा इस्तेमाल किया गया, यानी राइट। तो सबसे पहले आता है राइट स्पीच, यानी कि सम्मा वाचा और सम्यक वाणी। और सील क्या होता है? सील वो होता है जो आपको सही काम करने के लिए कहता है, उसको सील कहते हैं। जो मन वचन और कर्म के अंदर, माइंड के अंदर और जो आपकी स्पीच के अंदर और जो आपके जो वर्क है उसके अंदर जो सही काम सब लोगों के लिए होता है, उसको सील बोलते हैं। तो यहां जो सील है सबसे पहला, वो कहते हैं सम्मा वाचा। सम्मा वाचा सम्यक वचन या राइट स्पीच। तो राइट स्पीच आपने बोलनी है तो इसमें चार बातों के लिए उन्होंने स्पष्ट मना किया हुआ है। एक झूठ नहीं बोलना है, एक चुगली नहीं करनी है, एक कड़वी और कठोर बातें नहीं बोलनी है, कटु बातें, और एक बेकार की, फिजूल की जो बकवास है वो नहीं करनी है। यानी कि हर एक मनुष्य को, जितने भी पृथ्वी पर मनुष्य हैं, उनको चार बातें नहीं करनी है। झूठ नहीं बोलना है। झूठ का जो वीडियो है बहुत बड़ा मैंने बनाया हुआ है, वो आप देख लें, जो जिसमें मूसा वादा वेरवणी करके सील है, उसमें सारा विस्तार से बताया गया है। एक उसमें बकवास और जो कटु वचन है वो नहीं करने हैं, एक बकवास नहीं करने हैं और एक चुगली नहीं करनी है। ये चार बातें आती है वचन से, यानी कि मुंह से ये चार बातें आपने नहीं करनी है। ये आता है सम्मा वाचा राइट स्पीच में। फिर आता है सम्मा कम्मंतंग या सम्यक कर्म या राइट कंडक्ट। जो कंडक्ट है आपका वो बिल्कुल राइट होना चाहिए, जो कर्म है आपका, क्योंकि अभी तो आप मुंह से बोले हैं, अब हाथ पैरों से और शरीर से करना है काम, तो उसको कम्मंतंग बोलते हैं, कम बोलते हैं, सम्यक कर्म बोलते हैं, कर्मा भी बोल सकते हैं। तो वो राइट कंडक्ट क्या है? जो आपका कंडक्ट है, कहते हैं ना कि मिसकंडक्ट है, मिसबिहेवियर है, तो मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए, राइट कंडक्ट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? प्राणी की हत्या, चोरी, व्यभिचार और नशा। यानी प्राणी हत्या नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, नशा नहीं करना है। ये पांच सील में से चार सील पहले ही मैं बता चुका हूं, आप देख लें, एक एक घंटे का, आधा आधा घंटे का मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है, वो सब अटैच है इसके साथ में, देख लें। तो आपने हिंसा नहीं करनी है, हत्या नहीं करनी है, आपने चोरी नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है और नशा और पता नहीं करना है। तो ये आपके आते हैं सम्यक कम्मंत में, यानी कि ये आपके सही काम में आते हैं कि आपने ये काम नहीं करना है। इन कामों को करेंगे तो असम्यक कम हो जाएंगे, फिर आपके पाप नहीं जाएंगे, फिर दुख आपके पास आएगा। फिर आता है सम्मा आजीवो। जो सम्मा आजीवो है, सम्मा आजीवो का मतलब है राइट लाइवलीहुड, यानी कि सम्यक आजीविको, आजीविका। जो हम खाने के लिए कमाते हैं और काम करते हैं वो हमारा सम्यक और सही होना चाहिए। अब कोई व्यक्ति कहे कि मैं अपने घर का पालन करता हूं और मैं पैसा कहीं से कमा के लाऊं, मेरी तो जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है। अगर आप सही तरह से कमाएंगे नहीं, सही तरीके से नहीं कमा के लाएंगे, तो वो पैसा आपके परिवार को पालने की बजाय खत्म कर देगा। उस समय पांच चीजों के लिए मना किया है, अभी तो वो बढ़ गई हैं। पांच चीजें कौन कौन सी हैं? हथियारों का व्यापार है, जो प्राणियों को मारने के लिए हथियारों का व्यापार करता है। सब्जी काटने के लिए चाकू का करे वो व्यापार में नहीं आता खराब में। अगर जानवर का जो न्यार है, जो भोजन का काटने के लिए गंडासा है, या फसल काटने के लिए जो गंडासा है, या जो खुरपी है, या जो जो भी चीज है, दराती है, वो हथियारों में नहीं आती, क्योंकि वो समय के उसका इस्तेमाल है। मगर अगर प्राणी को मारने के लिए, जैसे तीर है उस समय के हिसाब से, या तलवार है, या कोई ऐसा चीज बनाई आपने जिससे जानवर या कोई मनुष्य मारा जाए, या कोई बड़ा चाकू, तो वो अवैध है, यानी कि वो सम्यक आजीविका में नहीं आता, उसका आपको नुकसान होगा। दूसरा आता है प्राणियों का व्यापार, यानी प्राणियों का व्यापार नहीं करना है। आपने गुलाम नहीं खरीदने हैं, गुलाम बेचने नहीं हैं, आपने कोई जानवर को नहीं बेचना है, आपने अपने घरवालों को कहीं कोई
मजदूरी की ऐसे नहीं रखना है कि जैसे बेच दिया हो या उनको कहीं आप फंसा के चले आए या गुलाम बना के चले आए। तो प्राणी को किसी भी तरह से व्यापार नहीं करना है, ना ही प्राणी का खरीदना बेचना है। एक है मांस का व्यापार, मांस का व्यापार यानी मांस का व्यापार भी नहीं करना है। आपने किसी जानवर को ना पालना है, ना उसे काटना है और ना उसे पालने के लिए काटने के लिए बेचना है, मांस का व्यापार नहीं करना है। एक है मद का व्यापार यानी नशे की किसी चीज को ना उगाना है, ना पैदा करना है, ना खरीदना है, ना बेचना है, ना ही उसकी मजदूरी करनी है, ना ही उसमें जाना है, कोई इन्वॉल्वमेंट नशे के किसी काम में नहीं करना है। एक है विष का व्यापार यानी कि विष मनुष्य को प्राणी को मारता है, ऐसे किसी व्यापार को नहीं करना है, ना ही इसको होने देना है। ये पांच व्यापार उस समय बताए थे, अभी तो बढ़ गए हैं। अभी तो जैसे टीवी रेडियो पर झूठ बोलने का है, आप कितना झूठ बोलते हैं टीवी रेडियो पर। तो आज के समय में ये जो टीवी है, टेलीविजन है, जो रेडियो है, ये ब्रॉडकास्टिंग है, ये जितना झूठा व्यापार करते हैं, इतनी झूठी इन्फॉर्मेशन चलाते हैं, ये व्यापार समय का आजीवियो नहीं है। एक है मत को खरीदने बेचने का, जैसे पहले मत नहीं खरीदे बेचे जाते थे, आज के समय में लोगों को मत को खरीदना बेचा जाता है। कभी भी किसी के मत को नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि उसका मत फ्री होता है, उसका जो वोट है वो फ्री होता है, उसकी जो इच्छा है वो फ्री होती है। आप उसको दबाव में पैसा देके मजबूरी में खरीद लें या जहां उसने अपना मत डाला है उस मत को बाद में अपने हिस्से के लिए मोड़ लें या अपने हिसाब से उस जो मताधिकार यूज करके जिसको आपने बनाया है उसको आप अपनी तरफ कर लें, वो पूरी तरह से सम्यक आजीवी को नहीं आता है। एक आता है मिलावट का व्यापार। मिलावट का व्यापार पहले नहीं होता था, अभी तो हर चीज में मिलावट है, मसाले में, दूध में, घी में, चीनी में, हर चीज में मिलावट है। ये सम्यक आजीवी का नहीं है। जो लोग मिलावट का व्यापार कर रहे हैं उनके बच्चे भी टेढ़े मेढ़े पैदा होते हैं, नशीले और शराबी पैदा होते हैं। एक है आज के समय में जुए का व्यापार। पहले ये जुआ घर कैसीनो नहीं हुआ करते थे, थोड़ा बहुत जुआ कहीं नाम मात्र का होता था तो व्यापार नहीं होता था। अभी तो बाकायदा लोग जुआ का घर बना बनाकर, कैशिनो बना बनाकर, लॉटरी का घर बना बनाकर या जो सेंसेक्स है उसका बनाकर व्यापार कर रहे हैं, ये बिल्कुल अवैध व्यापार है। तो सम्यक आजीविकों में बहुत सारे व्यापार बढ़ गए हैं, ये किसी भी हालत में नहीं करने चाहिए। अगर ये करेंगे तो आपको दुख होगा, कष्ट होगा और आपके दुख कभी जाएंगे नहीं। फिर आता है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि में आता है सम्मा व्यायामो और सम्मा सती। सम्मा व्यायामो और सम्मा सती यानी समाधि का जो मतलब है, समाधि का मतलब है सम और धारणा, यानी कि समता के साथ में जो धारण करते हैं उसको समाधि बोलते हैं। कोई व्यक्ति अगर समाधि लगाता है इसका मतलब वो शांति से, समता से धारण करके बैठा हुआ है, तो वो समाधि उसकी हो गई। समाधि में इसमें सबसे पहले आता है सम्मा व्यायामो या सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट, यानी कि आपने कोशिश करनी है, राइट एफर्ट करना है सम्यक समाधि के लिए। तो करना क्या है, आपने बैठ गए आप और बैठने के बाद में आपने कहा कि मैं क्या व्यायाम करूं, कौन सा व्यायाम करूं, कौन सी एक्सरसाइज करूं, क्योंकि इसमें एफर्ट करना है। तो यहाँ एफर्ट शरीर का नहीं करना है, यहाँ एफर्ट जो करना है वो माइंड का करना है, मन का करना है। कैसे करना है, आपके मन में जितने बुरे विचार विकसित हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, सबसे पहले तो वो आपको निकालने हैं। फिर वो निकाल के आपने दरवाजा बंद करना है कि अब वो बुरे विचार नहीं आने चाहिए। फिर जितने आपके सही विचार हैं, जो जितने अच्छे विचार हैं उनको रोकना है और सही विचारों को निकालना है, और जो सही विचार आपके हैं उनको बढ़ाना है, और जो सही विचार नहीं है आपके पास वो पैदा करने हैं। यानी कि जो आपका बुरे विचार मन में है, बुरे मन में, सबसे पहले तो वो निकालने हैं, उनकी सफाई करनी है, फिर वो दरवाजा बंद करना है, उनको आने नहीं देना है। उसके बाद आपने जो अपने सही, जो आपके सही सही विचार हैं, जो सही चीजें आपके मन में, जो अच्छी हैं, जो अच्छाइयां हैं, उनको आपने बढ़ाना है, और जो नहीं है उनको पैदा करना है। ये है सम्यक व्यायाम या सम्मा व्यायो, सम्मा व्यायामो। तो सम्मा व्यायामो या सम्मा व्यायाम या राइट एफर्ट इसी बात का है। और ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जब समाधि में आदमी बैठता है तो समाधि में उसको ख्याल आता है तो वो सम्यक की बजाय असम्यक व्यायामों में चला जाता है, असम्यक व्यायाम में चला जाता है। वो क्रोध में, सुरा में, सुंदरी में, काम वासना में, चोरी में, डकैती में, उसके मन में यही घूमता रहता है, उसको निकालने की बजाय और बढ़ा लेता है। तो ये फिर सम्यक नहीं होगा, असम्यक हो जाएगा। इसलिए जो एफर्ट है, जो माइंड का करना है, वो करना है कि आपके मन से जितने बुरी चीजें हैं वो सब निकालनी है, अच्छी रोकनी है, बुरी दोबारा आने नहीं देनी है, जो अच्छी है वो रोक के बढ़ानी है और जो नहीं है वो पैदा करनी है। तो इसको बोलते हैं सम्यक, यानी सम्मा व्यायामो या सम्यक व्यायाम या राइट एफर्ट या अच्छी कोशिश।
फिर समाधि में आता है सम्मा सती। सम्मा सती एक कमाल की चीज है, क्योंकि सारा जो भगवान बुद्ध का जितनी शिक्षा है वो सती शब्द पर की हुई है। महासती पठाना आप जानते होंगे, और जो सती सावित्रियां होती हैं, जो सती औरतें होती हैं, और सती जगह जगह सती की देवी और सती का मंदिर मिलता है, और जगह जगह सतीमान लोग मिलते हैं, और बल्कि सती से ही जो शब्द बना हुआ है वो सितारा बना हुआ है, और सितारा से ही तारा देवी बनी हुई है, और सतारा नाम की एक जगह भी महाराष्ट्र के अंदर है। यानी ये सती सतारा स्मृति ये इतने प्रमुख नाम रहे हैं, ये सब सती से बने हुए हैं। सती क्या क्या मतलब है? सती का मतलब आज तो स्मृति बोलते हैं, यादगार बोलते हैं, यादगार नहीं है बेसिकली। सम्मा सती या सम्मा स्मृति या राइट अवेकनिंग, राइट अवेकनिंग का मतलब है राइट माइंडफुलनेस, यानी कि आपकी सही जागृति, सही जागरण, सही जागना, सही देखना, ये है सम्मा सती। इसको कैसे देखेंगे? इसको जानने के लिए ये चार प्रकार की होती है। एक तो होती है आनापाना सती। आनापाना सती के अंदर बेसिकली पहले ये समझें कि सती है क्या। सती जो होती है वो बोलते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं और जो हमारे सेंसेस में आ रहा है, जैसे हम कोई सीन देख रहे हैं, सामने एक सीन चल रहा है पिक्चर के अंदर, उस पिक्चर के अंदर किसी ने किसी को चाकू मारा, तो चाकू मारने का हमने सीन देखा, चाकू मारने का हिंसा का सीन हमने देखा। हिंसा के सीन में हमें ये देखना है कि ये जो काम हुआ है हमारे मन पर किस प्रकार प्रभाव डाल रहा है, पाप का या पुण्य का। या हमने कहीं पे देखा कि कोई व्यक्ति हमसे रिश्वत मांग रहा है, या हम किसी को रिश्वत देख रहे हैं, तो उसमें हमें ये देखना है कि पाप कितना हो रहा है और पुण्य कितना हो रहा है, हमारे मन को कितना पता चल रहा है। या हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं शराब पीने का, नशा करने का या हिंसा करने का, तो अपने मन पर देखते हैं कि पाप कितना आया और पुण्य कितना आया। अगर हम ये जानकारी रखते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं उससे पाप कितना आ रहा है, पुण्य कितना आ रहा है, तो उसको सती बोलते हैं। यानी कि हम जागरूक हैं, अवेकन हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे कर्म का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। चार प्रकार से इसको देखते हैं। एक देखते हैं इसको आनापाना सती। आनापाना सती का मतलब है कि हम अपने सांस की गति को देखते हैं कि सांस की गति हमारी ऊपर नीचे कितनी हुई। जैसे ही हम कोई गलत काम करते हैं वैसे ही हमारा सांस एबनॉर्मल हो जाता है, ऊपर नीचे होता है। इसको बोलते हैं आनापाना सती, यानी कि सांस के आने जाने की गति में चेंज तो नहीं हुआ है। दूसरा देखते हैं कायागत सती, यानी कि हमारे शरीर पर क्या फर्क पड़ा है। कोई काम हमने किया, सामने किया, अच्छा या बुरा, तो हमारे शरीर को देखते हैं कि क्या फर्क पड़ रहा है, शरीर शांत है या कुछ बदल गया, अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है। एक होता है वेदनानुसती। वेदनानुसती का मतलब है कि जब हम कोई अच्छा या गलत काम कर रहे हैं तो हम चेक करते हैं कि हमारे शरीर में जो वेदनाएं उठ रही हैं, संवेदनाएं उठ रही हैं, वो खुशी की आ रही हैं या वो दुख की आ रही हैं या वो डर की आ रही हैं या क्रोध की आ रही हैं या चिंता की आ रही हैं, कैसी वेदनाएं आ रही हैं, ये हम चेक करते हैं। और एक देखते हैं हम धम्मानुसती। धम्मानुसती का मतलब है कि जो हमारे अंदर इस समय जो शरीर में चल रहा है उसका धम्म कैसा है, गर्म है, ठंडा है, गीला है, मोटा है, पतला है। ये सारी जो सतियां हैं इसकी जानकारी ऐसे नहीं आती, ये आती है जब आप विपस्ना साधना में जाएंगे और बैठेंगे, थोड़ी बहुत सबको आ जाती है, मगर विपस्ना साधना तो जहाँ मास्टरी सीख जाते हैं, मास्टरी करके आ जाते हैं, वहां तो आपको सब पता चल जाएगा। तो ये है सम्मा सती। सम्मा सती और सम्मा व्यायामो समाधि के, समाधि लगने के पहले दो अंग हैं, यानी कि जो व्यक्ति इन दोनों को करेगा वो समाधि में लगेगा। तो हमारा साथ जो छठा है वो आता है सम्मा समाधि। समाधि का कोई संस्कृत वर्ड नहीं है, समाधि पाली में भी समाधि है और संस्कृत भाषा में समाधि है, यानी जो समता में जो अधिष्ठित रहता है, जो अधिष्ठान करता है, जो समता में रहता है, जो समता को धारण करता है, जो समता धारण करके आया हुआ है, जो सम्मा धारण करके आया होता है या सम्मा अधिग्रहण करके आया होता है, उसको समाधि बोलते हैं। यानी समता में आपको स्थित रहना है, अधिकृत रहना है, तो वो समाधि हो जाता है। तो समाधि क्या है? समाधि बेसिकली आज की भाषा में कहा जाता है कि मन की एकाग्रता को समाधि कहते हैं, मगर भगवान बुद्ध ने तो यहां सम्यक समाधि बोला है, सम्मा समाधि बोला है। तो मन की एकाग्रता खाली समाधि है मगर सम्यक नहीं है। अगर कोई आदमी चोरी करने जाता है और चोरी करते करते वो एकाग्रता से अपने शिकार को देखता है तो वो सम्यक समाधि नहीं है। एकाग्रता तो है, समाधि तो है, मगर सम्यक नहीं है, क्योंकि वो हानि पहुंचाने वाली है। तो सम्यक समाधि कैसी होती है? सम्यक समाधि वो होती है जिसमें वो ये जानता है समता से कि जो मैं ये कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक ठीक कर रहा हूं, किसी की हानि के लिए नहीं है, और मैं उसको जानता हूं और देख रहा हूं। यानी कि एकाग्रता होनी चाहिए, सही होनी चाहिए और समान रूप से होनी चाहिए, उसमें आपका कोई दुष्कर्म इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। समाधि में आप बैठ गए और आप काम खराब करने के लिए बैठे हुए हैं, पाप करने के लिए बैठे हुए हैं, तो वो
सम्मा समाधि नहीं है। अगर सम्मा समाधि होगी तो वो आपको दुखों से मुक्ति दिलाएगी, और अगर असम्मा समाधि होगी, असम्यक समाधि होगी, तो वो आपके दुखों को बढ़ा देगी, आपके सुख खत्म कर देगी। इसलिए सम्यक हर समय सम्मा सम्यक शब्द बोले हुए हैं, राइट। तो ये जो आपने सम्यक समाधि यानी राइट मेडिटेशन था, ये इसकी खास बात है। फिर आता है राइट रिजॉल्व यानी सम्मा संकल्पो सम्यक संकल्प, सम्मा संकल्पो या सम्यक संकल्प राइट रिजॉल्व। काम कोद लाभ राग देश और मोह मूर्ता, काम कोद राग लोभ देश और मोह मूर्ता, अगर ये पांच चीजों को जो छोड़ देता है वो संकल्प ना करे मन में, यानी कि समाधि में बैठ गया और समाधि में बैठने के बाद में वो संकल्प ले रहा है, क्या संकल्प ले रहा है, मन में रिजॉल्व कर रहा है, क्या संकल्प है उसके, मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं कोई राग नहीं करूंगा, मैं कोई देश नहीं करूंगा, मैं कोई मोह मूर्ता नहीं करूंगा, मैं कोई लोभ नहीं करूंगा, और मैं इनसे रहित रहूंगा, इनसे मैं इन्वॉल्व नहीं हूंगा, ना मन से, ना वचन से, ना कर्म से। तो ये संकल्प अच्छा है। और अगर संकल्प बैठ के समाधि में ये करे, वहां मुझे चोरी करनी है, वहां डकैती डालनी है, वहां मुझे खाने का सामान मिलाना है, वहां मुझे दूध में पानी मिलाना है, वहां मुझे कमीशन लेना है, वहां मुझे ये जमीन बेचनी है जो मेरी नहीं है, सरकार की है, जहां वहां मुझे ये काम करना है, वहां मुझे ये चीज करनी है, तो वो संकल्प असम्यक हो जाएगा, उसका लाभ होने की बजाय नुकसान हो जाएगा, पाप कर्म और बढ़ जाएंगे और बीमार हो जाएगा, सड़ के मरेगा। फिर आता है इसमें आखिरा जो है वो है सम्मा दिट्ठि। सम्मा दिट्ठि का मतलब है सम्यक दृष्टि या राइट व्यू, यानी कि आपकी जो दृष्टि है वो सम्यक होनी चाहिए। साधारण भाषा में तो कहेंगे कि भाई आपकी जो आंख है वो 6x6 होनी चाहिए, यानी चश्मा लगा हुआ नहीं होना चाहिए, आपकी दृष्टि बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, मगर ये साधारण बात नहीं है। सम्यक दृष्टि या सम्मा दिट्ठि का मतलब है कि आपकी जो दृष्टि है वो इतनी सही और इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि आपको व्यूज का पता चल जाए कि ये सामने जो चल रहा है वो चीज कैसी है, कैसी नहीं है, यानी आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि ये पाप में है या पुण्य में है, इसमें पाप हो रहा है या पुण्य में हो रहा है, ये दृष्टि का आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो चल रही है चीजें ये कैसे है। किसी को देखना यहाँ सम्यक दृष्टि नहीं है, उसको महसूस करना ये सम्यक दृष्टि है। इसके तीन पार्ट हैं, बेसिकली तीन पार्ट इसलिए हैं क्योंकि इसे सम्यक दृष्टि जो आती है वो प्रज्ञा से आती है, प्रज्ञा का पार्ट है, पहिया का पार्ट है। पहिया में संयम, ये जो सम्मा संकल्प है और जो सम्मा दृष्टि है, वो दो पार्ट आते हैं। लास्ट इसमें जो आता है वो प्रज्ञा का पार्ट है, और प्रज्ञा तीन प्रकार की होती है। एक होती है स्रोतमय यानी स्रोतमय प्रज्ञा, यानी प्रज्ञा को बोलते हैं समझ, और स्रोतमय का मतलब है कि आपने कहीं पढ़ा, किसी स्रोत से आई हुई है, कहीं सुन के आई हुई है, किसी सोर्स से आई हुई है जो जानकारी, उसको बोलते हैं। वो आपके अनुभव पे खरी नहीं उतरती, वो आपने चिंतन नहीं किया, कहीं से आपने टेलीविजन पर सुन लिया और कोई बात आपने सुन ली और आपने उस पर एक्ट करना शुरू कर दिया, वो जानकारी आपकी नहीं है। टेलीविजन वाले ने क्या बोला, खबर में क्या कहा, वो उसकी जानकारी है, वो आपने आपने उस पर यकीन कर लिया, और यकीन करके आपने उस पर कोई काम किया तो आप उसमें फंस जाओगे, बेसिकली वो ऑथेंटिक जानकारी है नहीं। तो पहले वो जानकारी आप लोगे तो वो स्रोत हो गया, वो स्रोत में ही जानकारी है, स्रोत में ही प्रज्ञा है, स्रोत में समझ है, स्रोत आया है, टीवी वाले ने बताया है। फिर आप उसको चिंतनमयी प्रज्ञा में बदलोगे। चिंतनमयी प्रज्ञा क्या होती है कि आप उसको एनालिसिस करोगे, किसी को फोन करके पूछोगे, पहली वाली जानकारी है उसको देखोगे, किताब में क्या पढ़ा है उसको देखोगे, ये देखोगे कि टीवी वाला क्यों बोल रहा है, इसका क्या बोलने का कारण हो सकता है, क्या रीजन है, ये सच्चा है या झूठा है, इसकी पहले बातें सच थी या नहीं थी, या अभी जो बात बोली है वो सच है या नहीं है, वो सारा एनालिसिस करोगे, उस पर सब पर चिंतन करोगे, 50 लोगों से पूछोगे, सबकी हिस्ट्री जानोगे। चिंतनमयी प्रज्ञा आपको बताएगी कि ये चीज ठीक है या खराब है जो टीवी वाले ने बोली है, मगर चिंतनमयी प्रज्ञा भी झूठी हो सकती है। आपको 50 आदमी कह सकते हैं कि टीवी वाले ने जो बोला है वो ठीक है, आपको अखबार कह सकता है टीवी वाले ने बोला है वो ठीक है, अखबार भी मिला हुआ हो सकता है। आप किसी पड़ोसी से पूछो तो पड़ोसी भी हो सकता है कि टीवी वाले का साथी रहा हो और वो उसी विचारधारा का हो, वो भी कह दे ठीक है। तो आपने फिर जो आखिरी है, जिसको भावमयी प्रज्ञा बोलते हैं, भावमयी प्रज्ञा बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ये देखना है अपने शरीर पे कि इसकी खबर का
हमारे देश पर, हमारे शरीर पर, हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आपका मन बता देगा कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, या ये खराब है, या उसको बोलते हैं भावमयी प्रज्ञा। तो ये जो भावमयी प्रज्ञा है, ये है बेसिकली सम्मा दिट्ठि सम्मा दृष्टि। इस अनुभव से हमें पता चलता है, शरीर के अनुभव से, कि ये चीज खराब है और ये चीज अच्छी है। और ये छोटे से बच्चे में भी होती है। छोटा सा बच्चा अगर किसी व्यक्ति को देखता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखता है तो समझ जाता है कि ये उसके लिए अच्छा है या खराब है। किसी व्यक्ति को देख के बच्चा रो पड़ता है और किसी व्यक्ति को देख के बच्चा हंस पड़ता है। वो जानता है, उसकी भाव में ही जो प्रज्ञा है वो काम करती है। उसे पता है कि ये जो बोला है उसके बोलने की वाइब्रेशन उसके लिए अच्छी है या खराब है। कोई कर्कश आवाज में बोलता है तो बच्चा रो पड़ता है, कोई मीठी आवाज में बोलता है तो बच्चा खुश होकर उसके पास चला जाता है। उसका भाव बता देता है, उसका एक्सपीरियंस बता देता है, उसका मन बता देता है कि ये ठीक है या ये खराब है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर है सम्मा दिट्ठि, और सम्मा दिट्ठि में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है भावमयी प्रज्ञा, यानी जो आपने एक्सपीरियंस से, अपनी जानकारी से जो समझ है, जो आपने अनुभव किया है, जो आपके अनुभव पर खरी उतरी है, वो वाली प्रज्ञा। ये जो आठ मार्ग हैं, ये जो आठ चीजें हैं, एटफोल्ड पाथ है, ये आपको निर्वाण के पद तक भी ले जाता है। ये सुख प्राप्त करने का मार्ग है, दुखों को दूर करने का मार्ग है। ये मार्ग दुख से आरंभ होता है कि दुख क्या है, इसका कारण क्या है, निवारण क्या है, और उस दुख का निवारण का मार्ग क्या है। और मार्ग पे चलते 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 आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, अमर तत्व प्राप्त हो जाता है, आपके दुख चले जाते हैं, आपको सुख आ जाता है। इसलिए ये जो मार्ग है, ये सारे जितना भी भगवान बुद्ध की जो थ्योरी है या मीमांसा है या जो पर्यत्ति है या जो प्रतिपत्ति है या जो प्रैक्टिकल है या जीवन में जो उन्होंने इकट्ठा किया है, ये मार्ग सारा उनको बताता है। ये मार्ग उन्होंने वहां बताया रास्ता। उसके बाद उन वहां पर 6 अर्हत हो गए, वो भी अर्हत हो गए, और भी लोग वहां पर आए, उन्होंने सीखा, वहां पे 60 बन गया, यानी 60 लोगों का ग्रुप बन गया। 60 लोग फिर वहां से संघ बन गए उनका चला, और उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया में धम्म को फैलाना शुरू किया। भगवान बुद्ध 45 साल तक यही बात को अलग अलग तरीके से समझाते रहे, सील समाधि पहिया, सील समाधि पहिया। इसमें जो जो पर्यत्ति है और जो पटिपत्ति है उसमें थोड़ा सा अंतर है। जब किताब में पढ़ाते हैं आपको, तो किताब में सबसे पहले आपको पढ़ाते हैं दिट्ठि संकप्पो वाचा कमंत आजीवो वायामो सतियो समाधि। और जब पटिपत्ति, यानी कि जब आपको सिखाते हैं, तो सिखाने में सबसे पहले आपको वाचा कमंतंग आजीविको वायामो सती समाधि संकप्पो और दिट्ठि, यानी कि सीख पढ़ाने में और सिखाने में थोड़ा सा क्रम बदल जाता है। भगवान बुद्ध चूंकि इसको बताते भी थे और पढ़ाते भी थे, इसलिए। और ये जो अष्टसील जो मार्ग है, जो ये अष्टांग मार्ग है, जो सील समाधि का मार्ग है, ये जो अष्टांगिक मार्ग है, या जो अष्टांगिक मार्ग है, या जो अष्ट वक्र है, या एटफोल्ड पाथ है, इसकी खास बात है कि इससे 10 बीमारियां पूरी जड़ से खत्म हो जाती हैं। 10 बीमारी हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ, चुगली, कटु या कठोर वचन, बकवास, लोभ और क्रोध, ये 10 बुराइयां हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। ये जो 10 अंग हैं, 10 आनंद हैं, ये हमेशा के लिए मारे जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जो एट फोल्ड पाथ को, या अठांगिक मार्ग को, या अठ कथा को, या जो अठमी है, या जो अठ वचन है, या जो अठ कथा है, इसको अपनाता है। जो 8 अंगों का मार्ग है, ये पूरी दुनिया में बड़ा फेमस है। जो भी आपको पढ़ाएगा यही पढ़ाएगा। धम्म चक्र प्रवर्तन की आपको बहुत बहुत बधाइयां हैं, मंगल कामना है। आप धम्म चक्र प्रवर्तन वाले दिन अपने जितने भी गुरु हैं, जितने भी आपके टीचर हैं, उन सबको बधाई दें, चाहे वो किसी भी प्रकार के आपके गुरु हैं, अगर वो सम्यक हैं और अच्छे हैं तो उनको बधाइयां दें। और भगवान बुद्ध के जितने भिक्खु हैं और जितने भिक्खुणु हैं, उन सबके फोटो वगैरह लगाएं, उनके व्हाट्सएप पे भेजें, उनको धन्यवाद दें कि आप पढ़ाते हैं, जीवन आप पे लगाया है, इससे हम आपका आभारी हैं, बहुत बहुत मंगल कामना है। जगत गुरु भगवान बुद्ध उस दिन धम्मचक पवन पे, जो गुरु पूर्णिमा है, उस दिन पूरे देश में, पूरी दुनिया में उनका स्वागत सत्कार होता है। आप भी करें, उपोषित रखें, उस दिन लोग उपोषित भी रखते हैं, उपोषित रखें। बुद्ध विहार जाएं, ना जा पाएं तो कोई बात नहीं, अपने घर में करें, जैसे भी करें इसको मनाएं। ये इस बार 5 जुलाई को 2020 में पड़ रहा है, और 5 जुलाई को ही मेरा जन्मदिन भी इस बार पड़ रहा है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए,
तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाजत लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Time.